चिकन दबा के खाने वालों, ये वीडियो आप सबके लिए है। आप चिकन दबा के खाइए और चिकन दबा के आपकी इम्यूनिटी दबाएगा और मर्दों में औरतों के लक्षण भी ले आएगा, हार्मोनल इम्बैलेंस। जी हाँ, ये एक सच है। चिकन खाने से 26 वर्षीय एक युवक के स्तन कथित तौर पर असामान्य रूप से उभर आए। युवक के चिकित्सक के मुताबिक ऐसा उसके चिकन में हार्मोन के कारण हुआ। ये तो एक केस था, न जाने कितने केसेस, कितने बॉडी बिल्डर्स इस समस्या से त्रस्त हैं। जैसे ही जिम छूटा, हार्मोन के इंजेक्शन लगे चिकन को खाने के साइड इफेक्ट्स झूलती छातियों में दिखने लगते हैं। फार्म में पलने वाले ज्यादातर चिकन के ब्रीड ब्रायलर चिकन के होते हैं, कम जगह में जल्दी बढ़ने वाली ब्रीड। ये तो आज की डेट में हर चिकन खाने वाला समझ चुका है कि फार्म का चिकन और देसी चिकन के न्यूट्रिशन में जमीन आसमान का फर्क होता है। जहां घर पे नेचुरल तरीके से पाली गई चिकन में न्यूट्रिटिव वैल्यू ज्यादा पाई गई है, वहीं फार्म चिकन तो आलू हो चली है। और सिर्फ यही नहीं, इन फार्म में पाली गई ब्रायलर चिकन्स के जरिए मानव शरीर में एंटीबायोटिक्स पहुंच रहे हैं बेहद खतरनाक डोसेस में। एंटीबायोटिक मुर्गे मुर्गियों को बीमारी से बचाने और उनके तेजी से विकास के लिए दिया जाता है, जो इंजेक्शन और दानों में मिलाकर दिया जाता है। फिर एंटीबायोटिक्स इन्हें खाने वालों के शरीर में पहुंच जाते हैं। चिकन फार्मिंग में एंटीबायोटिक्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले 5 देशों में भारत पहले नंबर पर है। अब जानिए कौन से खतरनाक एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं चिकन की ग्रोथ मेंटेन करने के लिए, उनका वजन बढ़ाए रखने के लिए। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, क्लोर टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एम्ब्रोफ्लॉक्सिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन, नियोमाइसिन, एमिनो ग्लाइकोसाइड्स। जबकि इन एंटीबायोटिक्स को WHO ने इंसान के लिए खतरनाक बता रखा है। टेट्रासाइक्लिन और फ्लोरोफिनोलोन्स, ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, ये कॉलरा, मलेरिया, रेस्पिरेटरी और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के इलाज में इस्तेमाल किए जाते हैं। जानवरों पर इनके इस्तेमाल से परिणाम ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के रूप में सामने आते हैं। ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मतलब ऐसे बैक्टीरिया की प्रजाति पैदा होना जिन पर मौजूदा एंटीबायोटिक दवाइयां काम न करती। अब सोचिए, ये बैक्टीरियल स्ट्रेन अगर किसी इंसान में इन्फेक्शन कर दे तो उसका इलाज कैसे हो सकेगा। भारत में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के प्रभाव से हर साल लगभग 57,000 नवजात शिशुओं की मौत हो जाती है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का असर माँ के जरिए बच्चे पर भी पड़ता है। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भारत में डॉक्टरों द्वारा बेवजह एंटीबायोटिक देने के अलावा फार्मिंग किए हुए चिकन को खाने से भी बढ़ रहा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट CEC स्टडी में यह कह चुका है कि एंटीबायोटिक बीमारी होने पर दिए जाते हैं, ना कि रोग से बचाव या ग्रोथ के लिए। बेवजह दवाएं देने से न सिर्फ मुर्गी मुर्गियों पर दुष्प्रभाव होगा, बल्कि उसे खाने वाले के शरीर में भी ये दवाएं बिना जरूरत पहुंच जाएंगी। CEC की फरवरी 2018 में आए रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पोल्ट्री के लिए पाए जाने वाले पशुओं को हर साल करीब 2700 टन एंटीबायोटिक्स खिलाए जा रहे हैं। कोल्स्टी एंटीबायोटिक भी दिया जाता है, क्या है ये जानिए। द ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की वेबसाइट में छपे रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए कोल्स्टी नाम का एंटीबायोटिक भी दिया जाता है। इसके अलावा ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए इन पक्षियों का वजन जल्द ही बढ़ जाए, इसके लिए भी इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। कोल्स्टीन का इस्तेमाल गंभीर रूप से बीमार लोगों पर करना चाहिए, किसी भी अन्य परिस्थिति में ये पर्यावरण और मानव शरीर दोनों के लिए जहर माना जाता है। कोल्स्टीन को डॉक्टर्स लास्ट होप एंटीबायोटिक भी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल गंभीर रूप से बीमार लोगों के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए किया जाता है। ये मानव शरीर को दवा प्रतिरोधी बनाता है, यानी कि ड्रग रेजिस्टेंस बनाता है। साल 1940 के दशक से ही मुर्गे मुर्गियों को आर्सेनिक दिया जाता है ताकि बहुत कम दाने देने के बावजूद उनका शरीर और वजन तेजी से बढ़े। इसका मतलब हुआ कि खास किस्म के दड़बों में रखकर पाले जा रहे मुर्गे मुर्गियों को आप कम भोजन देंगे तो भी उनका आकार मन मुताबिक बढ़ जाएगा, इससे पोल्ट्री मालिक की लागत में कमी आती है। अब वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड एनिमल साइंसेज के एक शोधकर्ता ने रिसर्च पेपर जारी कर बताया है कि पोल्ट्री फार्म में तैयार किए जा रहे ब्रायलर चिकन में आर्सेनिक 0.77 PPM यानी कि पार्ट पर मिलियन तक मौजूद है, जबकि अंडों में आर्सेनिक की मात्रा 0.38 PPM यानी कि पार्ट पर मिलियन तक पाई गई है। ये दोनों ही निर्धारित सीमा से बहुत ज्यादा है। अधिकारियों को चाहिए कि वह फौरन पोल्ट्री फार्म पर छापा मारे। आर्सेनिक कितना घातक हो सकता है, शायद ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। सिर्फ चिकन खाने वाले लोगों को ही जोखिम नहीं है इससे, बल्कि हम जैसा हर व्यक्ति जोखिम के दायरे में।
चिकन के मल का इस्तेमाल खेतों में खाद के रूप में होता है। खेतों की मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया चिकन के मल में मौजूद ऑर्गेनिक आर्सेनिक को इनऑर्गेनिक आर्सेनिक में बदल देते हैं। साइंस ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट में प्रकाशित यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा के एक अध्ययन से पता चलता है कि चूंकि चिकन के मल का इस्तेमाल मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए खाद के रूप में होता है, सो चिकन के मल के इस्तेमाल वाली मिट्टी में उगे पौधों में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ी हुई होती है। इससे लोगों की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। पोल्ट्री से पैदा 70-90% आर्सेनिक पानी में घुलनशील है। इसका मतलब है मिट्टी के जरिए यह आर्सेनिक भूमिगत जल में प्रवेश कर सकता है। पोल्ट्री के आर्सेनिक मिले अवशिष्ट मल, चुग्गे तथा पंख आदि दुधारू पशुओं को प्रोटीन के आहार के तौर पर खिलाए जा रहे हैं। ऐसे में आर्सेनिक मिला चुग्गा पोल्ट्री को खिलाने का चलन अन्य खाद्य पदार्थों को भी आर्सेनिक के जरिए दूषित कर सकता है। डॉक्टर्स तथा पूरी मेडिकल बिरादरी को आगे बढ़कर अभियान चलाना चाहिए और मांग करनी चाहिए कि पोल्ट्री उत्पादन बगैर आर्सेनिक के हो। सेहत के लिए गैर जरूरी जोखिम पैदा होने की आशंका को देखते हुए FSSI तथा ड्रग कंट्रोलर को आर्सेनिक मिले फीड एडिटिव्स के चलन को दी गई मंजूरी वापस लेनी चाहिए। यूरोप के उदाहरण से हमें पता है कि बिना आर्सेनिक के भी पोल्ट्री का उत्पादन हो सकता है। शेष दुनिया में आर्सेनिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन भारत में अब भी आर्सेनिक का चलन जारी है। विशेषज्ञों का कहना है कि मुर्गी पालकों को यह भ्रम है कि चिकन को दाने के साथ एंटीबायोटिक्स खिलाने से उनकी ग्रोथ तेज होगी, जबकि एंटीबायोटिक्स किसी प्राणी को बीमारी होने पर दिए जाते हैं, ना कि रोग से बचाव या ग्रोथ के लिए। इस मैसेज को जितना हो सके फैलाइए दोस्तों, क्योंकि जरूरी है यह मैसेज हर पोल्ट्री फार्म मालिक और ग्राहक तक पहुंच जाए। आशा करते हैं आप इस संदेश की महत्ता को समझ रहे होंगे। धन्यवाद।